दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थॉमस हार्डी की लाइफ को। थॉमस हार्डी दोस्तों विक्टोरियन एज के नोवेलिस्ट थे और मॉडर्न एज के पोएट थे, ऐसा कहना बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि थॉमस हार्डी ने अपनी नोवेल्स को पब्लिश करवाया था विक्टोरियन एज में और पोएम्स इनकी पब्लिश हुई थी मॉडर्न एज में। लेकिन दोस्तों इन्होंने अपने वर्क्स को, अपने पोएम्स को लिखना शुरू कर दिया था विक्टोरियन एज से ही, और लगभग 30 साल से ये पोएम्स लिख रहे थे। लेकिन 1898 में इनकी पोएम्स को पब्लिश करवाया गया क्योंकि इनको कोई पब्लिशर ही नहीं मिला। और दोस्तों जब पब्लिश करवाया गया तो बहुत ही फेमस रही इनकी पोएम्स भी, जितनी नोवेल्स फेमस थी। थॉमस हार्डी खुद को एक प्राइमरली एक पोएट मानते थे, उसके बाद एक नोवेलिस्ट मानते थे। जैसे दोस्तों इनकी नोवेल्स हैं टेज ऑफ द डर्वरविल्स, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड और मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। दोस्तों बहुत ही फेमस नोवेल्स लिखी हैं, लेकिन ज्यूड द ऑब्सक्योर एक ऐसी नोवेल थी। उस नोवेल के हार्श क्रिटिसिज्म की वजह से थॉमस हार्डी ने अपनी नोवेल्स को लिखना छोड़ दिया था। उसके बाद में मॉडर्न एज में इनको पहचान मिली इनकी आने वाली यंगर जनरेशन्स के पोएट्स और नोवेलिस्ट, जैसे वर्जीनिया वुड, डीएच लॉरेंस, फिलिप लार्किन, इन सब ने इनके वर्क्स को पहचाना। थॉमस हार्डी का इन्फ्लुएंस आपको बहुत सारे पोएट्स पर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डब्ल्यू बी यीट्स, इन पर देखने को मिल सकता है। दोस्तों इनकी लाइफ को हम लोग डिस्कस करेंगे आज, आपको सब पता चलेगा, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। दोस्तों थॉमस हार्डी लेट विक्टोरियन एज के नोवेलिस्ट थे और मॉडर्न एज के पोएट थे। अब कोई भी राइटर होता है उस पर कहीं ना कहीं अपने से पहले की एज का असर होता है, तो अपनी एज के बाकी ऑथर्स की तरह थॉमस हार्डी पर भी विक्टोरियन एज से पहले की एज, रोमांटिक एज की पोएट्री और रोमांटिक एज की नोवेल्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिल सकता है, स्पेशली विलियम वर्ड्सवर्थ का। तो जून 1840 में इनका जन्म होता है एक स्टोन मेसन के घर पर। स्टोन मेसन मतलब दोस्तों जो बिल्डिंग बनाने के लिए पत्थर को काटते हैं उसको बोलते हैं स्टोन मेसन। तो इनके फादर वो काम करते थे और इनकी मदर, उनका नाम था जयमिमा, वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। तो हार्डी को स्कूल जाने से पहले उन्होंने ही एजुकेट किया था। शुरुआती एजुकेशन मिली थी हार्डी को अपनी माँ से। फिर 8 साल की एज में हार्डी ने स्कूल जाना शुरू किया। फिर उसके बाद आगे चल के लैटिन लैंग्वेज भी सीखना शुरू की। लेकिन इसके बाद इनकी एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन रुक गई और इतनी ज़्यादा एजुकेशन इनको मिली नहीं। 16 की एज में जेम्स हिक्स नाम के एक आर्किटेक्ट के पास ये काम सीखने लगे। आर्किटेक्ट वो जो घर वगैरह बनाते हैं, तो जेम्स हिक्स के पास ये काम सीखने लगे। तो अच्छी खासी इनको ट्रेनिंग मिली थी वहाँ पर, डॉर्चेस्टर नाम की जगह पर। अब 1862 में ये जाते हैं लंदन, किंग्स कॉलेज में पढ़ने लगे। वहाँ पर आर्किटेक्चर ही पढ़ रहे थे ये, तो वहाँ पर रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स की तरफ से इनको प्राइज़ मिले। अभी भी लंदन में रहते हुए ये आर्किटेक्ट बनने की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ऐसे में लंदन में क्लास डिवीज़न बहुत था, तो क्लास डिवीज़न से ये बड़े निराश हुए और ख़ुद को सोसाइटी में इन्फीरियर फील करने लगे। फिर इनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा सोशल रिफॉर्म लाने की तरफ। तो उस वक्त जॉन स्टुअर्ट मिल नाम के एक ब्रिटिश फिलोसोफर थे, उनकी तरफ इनका पड़ा। इस टाइम पर उनका एक ऐसे था ऑन लिबर्टी नाम का। 1924 में इन्होंने खुद बोला, थॉमस हार्डी ने, माय पेजेस शो हार्मनी ऑफ व्यू विद मिल। तो यहाँ पर जॉन स्टुअर्ट मिल का बहुत प्रभाव देखने को मिल सकता है थॉमस हार्डी पर। इसके अलावा हार्डी मैथ्यू आर्नोल्ड और लेस्ली स्टीफन की तरफ भी अट्रैक्ट हुए इस टाइम पर। अब लंदन में रहते हुए 5 साल बाद इनको अपनी हेल्थ की फिक्र होने लगी। फिर ये डॉर्सेट लौट आए और फिर इन्होंने तय किया कि अब ये लिखेंगे। अब इसके बाद 1870 में हार्डी की मुलाकात होती है एमा गिफोर्ड से। उनसे इनको प्यार हो गया, शादी हो गई 1874 में, जिसके बाद ये आने वाले सालों में मैक्स गेट नाम के एक घर में शिफ्ट हो गए। ये घर दोस्तों खुद थॉमस हार्डी ने डिज़ाइन किया था और इनके भाई ने इसको बनाया था, और आज ये घर थॉमस हार्डी के फैंस के लिए खुला है, पब्लिक के लिए खुला है। अब लंबा टाइम साथ में रहने के बाद में 1912 में इनकी वाइफ एमा की डेथ हो जाती है। थॉमस हार्डी उनकी डेथ से बड़े इफेक्ट होते हैं। फिर 1912 और 13 में इन्होंने अपनी वाइफ की डेथ पर पोएम्स लिखी, जो दोस्तों बहुत ही फेमस पोएम्स हैं। फिर 1914 में इन्होंने अपनी सेक्रेटरी एमिली से शादी कर ली, जो कि इनसे एज में बहुत छोटी थी, और ख़ुद भी ये एमिली चिल्ड्रन स्टोरीज़ की राइटर थी। लेकिन फिर भी हार्डी अपनी फर्स्ट वाइफ की डेथ से बेचैन थे, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए पोएट्री लिखी। इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया गया। और दोस्तों इसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उस चीज़ ने भी हार्डी को बड़ा इफ़ेक्ट किया।
वो बड़ा हॉरिफाइड फील करने लगे। तो इन्होंने जॉन गाल्सवर्दी जो कि एक प्लेराइट थे उनको लिखा, द एक्सचेंज ऑफ इंटरनेशनल थॉट इज द ओनली पॉसिबल सेल्वेशन फॉर द वर्ल्ड। ये चीज उन्होंने जॉन गाल्सवर्दी को लिखी थी। इसके बाद हार्डी बीमार रहने लगे और 1928 में उनकी डेथ हो गई। इन्हीं की इच्छा पर इनको इनकी वाइफ के पास में दफनाया गया, लेकिन इनके एक फैमिली मेंबर थे सिडनी कॉकरेल, उन्होंने बड़ा इंसिस्ट किया कि इनको भी वेस्टमिंस्टर एबे के फेमस पॉइट्स कॉर्नर में दफनाना चाहिए, मतलब जगह मिलनी चाहिए पॉइट्स कॉर्नर में। लेकिन थॉमस हार्डी का जो हार्ट था वो तो एमा के बगल में दफनाया गया, उनकी वाइफ के बगल में, और इनकी एशेस को पॉइट्स कॉर्नर में। फिर इनकी डेथ के बाद में उस स्टेट के उस घर के जो एग्जीक्यूटर थे उन्होंने इनकी नोटबुक्स और लेटर्स को जला दिया, लेकिन इनकी 12 बुक्स सर्वाइव कर सकी। इनकी डेथ के एक साल बाद थॉमस हार्डी की जो सेकंड वाइफ थी, इनकी सेक्रेटरी जो थी पहले, उन्होंने इनकी बायोग्राफी अर्ली लाइफ ऑफ थॉमस हार्डी 1841 से 1891 को पब्लिश करवाया, और इन्हीं की यंग जनरेशन के राइटर्स जैसे डीएच लॉरेंस, वर्जीनिया वुल्फ, इन्होंने इनकी तारीफ की है। आज इनका घर वगैरह सब नेशनल ट्रस्ट के हाथों में है कि आकर थॉमस हार्डी के जो पसंद करने वाले हैं उनको आकर के देख सकते हैं इस घर को। दोस्तों बात करते हैं इनकी नोवेल्स की, इन्होंने नोवेल्स लिखना कैसे शुरू किया था। इनकी फर्स्ट नोवेल थी द पुअर मैन एंड द लेडी, 1867 में इस वर्क को कंप्लीट किया था हार्डी ने, और उसको पब्लिश करवाने के लिए पब्लिशर्स के पास में गए। 5 पब्लिशर्स ने इस वर्क के लिए हार्डी को रिजेक्ट किया, लगभग 5 पब्लिशर्स ने कम से कम किया ही था। फिर इनके एक दोस्त थे जॉर्ज मेरेडिथ, जो खुद भी राइटिंग से जुड़े हुए थे, उनको एक्सपीरियंस था, उन्होंने इनको सलाह दी कि आपकी ये जो नोवेल है ये पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल है, तो आज तो आप इसको पब्लिश करवा लोगे लेकिन फ्यूचर में जो कुछ भी पब्लिश करवाने जाओगे उसके लिए आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो मतलब कुछ पब्लिश करवाने लायक नहीं रहोगे आज अगर इसको पब्लिश करवाया है तो। इसके बाद हार्डी ने मेरेडिथ की सलाह मानी और फिर कभी उस नोवेल को पब्लिश करवाने की कोशिश नहीं की, इसकी कॉपीज़ को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि हार्डी ने सोचा कि छोड़ो मैं इसको कोई पब्लिशर से पब्लिश नहीं करवाऊंगा अब नहीं मिल रहा तो, बल्कि इसकी ओरिजिनल फॉर्म को ही बेचूंगा। फिर उसको बेचने के बाद में जब ये एडवाइस हार्डी को मिली तो उसके बाद इन्होंने उस नोवेल की लास्ट बची कॉपी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। फर्स्ट नोवेल को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने के बाद में वहीं से आइडियाज़ उठा करके इन्होंने 2 और नोवेल्स लिखी। इन्होंने सोचा कि ये कॉमर्शियली सक्सेसफुल रहेंगी। 1871 में इन्होंने डेस्परेट रेमेडीज नाम की नोवेल लिखी। फिर उसके बाद 1872 में अंडर द ग्रीनवुड ट्री, जिसको इन्होंने इन दोनों नोवेल्स को बेनाम नाम से पब्लिश करवाया था। फिर इसके बाद ये अपनी वाइफ से मिले, उनसे शादी हुई, अपनी वाइफ एमा को कोट करने को इन्होंने एक नोवेल में ड्रॉ किया है। इन्होंने एक और नोवेल लिखी 1873 में, पेयर ऑफ ब्लू आइज, इस नोवेल को उन्होंने अपने खुद के नाम से पब्लिश करवाया। ये वो नोवेल थी जिसको खुद के नाम से पब्लिश करवाया था। दोस्तों मैंने चार्ल्स डिकेंस वाली वीडियो में बताया था कि चार्ल्स डिकेंस अपनी नोवेल्स में एक टर्म को यूज़ करते थे जिसका नाम था क्लिफहैंगर, मैंने आपको बताया था। तो उसको माना जाता है हार्डी ने अपनी नोवेल अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, ये जो नोवेल है इसमें ओरिजिनेट किया था। अब 1874 में हार्डी की अगली नोवेल आती है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और दोस्तों इस नोवेल को पब्लिश करवाने के बाद में ये इतनी सक्सेसफुल नोवेल रही कि इन्होंने अपना आर्किटेक्ट वाला काम छोड़ा और लिटरेरी करियर की तरफ चल दिए, और अभी अपने करियर में और भी ज़्यादा बड़ी बड़ी नोवेल्स लिखनी थी। आप देखोगे हार्डी अपनी नोवेल्स में प्लॉट को बड़े अच्छे से डेवलप करते थे, मतलब ऐसे डिज़ाइन करते थे कि देखने में अच्छा लगता था, तो शायद वो इनके आर्किटेक्ट वाले काम का असर था इनकी नोवेल्स के प्लॉट को डेवलप करने पर भी। फिर इसके बाद ये वापस लंदन गए और 1878 में इन्होंने लिखी द रिटर्न ऑफ द नेटिव। फिर 1882 में लिखी टू ऑन ए टावर नाम की स्टोरी को पब्लिश करवाया। फिर उसके बाद मैक्स गेट आकर 1886 में इन्होंने लिखी द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। फिर 1887 में द वुड लैंडर्स, और उसके बाद 1891 में आती है इनकी नोवेल टेज ऑफ द डबरविल्स। ये नोवेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी थी। और दोस्तों एक नोवेल जो इन्होंने लिखी थी ज्यूड द ऑब्सक्योर, ये इनका लास्ट वर्क माना जाता है, मतलब कि इसके बाद हार्डी ने नोवेल्स लिखना छोड़ दिया था। इसका रीज़न क्या था, 1895 का ये वर्क था थॉमस हार्डी का, तो विक्टोरियन एज में ही इसको पब्लिश करवाया था। अब उस वक्त विक्टोरियन एज चल रही थी, उस वक्त ऐसी नोवेल थॉमस हार्डी ने पब्लिश करवा दी तो उस वक्त बड़ा नेगेटिव रेस्पॉन्स मिला विक्टोरियन पब्लिक से। इस नोवेल को बड़ा नेगेटिव रेस्पॉन्स मिला क्योंकि इस नोवेल में सेक्स को लेकर, रिलीजन को लेकर और मैरिज को लेकर ऐसी ऐसी बातें की गई
इस नोवेल ज्यूड द ऑब्स्क्योर और एक नोवेल टेज ऑफ द डबल्स, इन दोनों को बड़ी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ी, लेकिन दोस्तों बड़ी फेमस नोवेल्स हैं ये दोनों। इस वक्त तक भले ही हार्डी सेलिब्रिटी बन गए थे, लेकिन फिर भी ऐसा नेगेटिव रेस्पॉन्स इनको मिला। हालांकि ये रियलिस्ट नोवेल लिखते थे जो विक्टोरियन इंग्लैंड में है उसकी लाइफ को ही दिखाते थे, मैरिज, एजुकेशन, रिलीजन, ये सब चीज़ें दिखाते थे, लेकिन फिर भी इनकी ज्यूड द ऑब्स्क्योर को इतना नेगेटिव रेस्पॉन्स मिला। यही रीज़न था कि इनको नोवेल राइटिंग छोड़नी पड़ी। फिर इसके बाद 1898 से 1828 तक, जब तक इनकी डेथ नहीं हो गई, तब तक हार्डी ने लगभग 8 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री को पब्लिश करवाया। और पोएम्स में भी इन्होंने कम काम नहीं किया, बहुत सारे पोएम्स लिखी हैं दोस्तों अपने लाइफ टाइम में। 1898 में हार्डी ने अपनी फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स को वेसेक्स पोएम्स नाम से पब्लिश करवाया था। और ये हार्डी की उन पोएम्स का कलेक्शन था जिनको लगभग ये पिछले 30 सालों से लिख रहे थे। लोगों ने इनकी ज्यूड द ऑब्स्क्योर को देखकर बोला कि आप नोवेल्स लिखना छोड़ दो। सी एच सीजन ने इनकी नोवेल ज्यूड द ऑब्स्क्योर के लिए बोला था, सुपरफिशियल एंड अब्सर्ड, जिसके बाद हार्डी ने नोवेल्स को लिखना छोड़ दिया। और पोएम्स भी दोस्तों जो इन्होंने लिखी तो बहुत सारी वैरायटीज में लिखी, जैसे लिरिक, बैलेड, सटायर, ड्रामेटिक मोनोलॉग, एपिक ड्रामा। तो ये अभी भी ट्रेडिशनल पार्ट्स की तरह बैलेड्स लिख रहे थे। और दोस्तों वार पोएम्स भी इन्होंने लिखी। इनकी द मैन ही किल्ड नाम की पोएम थी जिससे रूपर्ट ब्रूक बड़े इन्फ्लुएंस हुए थे, जिसने रूपर्ट ब्रूक को बड़ा इन्फ्लुएंस किया। और ये अपने पोएम्स में एक ऑर्डनरी सोल्जर का पॉइंट ऑफ व्यू लेते थे। और दोस्तों इनकी पोएट्री का सबसे बेस्ट कलेक्शन था पोएम्स ऑफ 1912 एंड 13। ये इनकी वाइफ की डेथ के बाद में लिखा था। इनकी पोएम्स को विक्टोरियन एज में तो सीरियसली नहीं लिया गया, लेकिन आज ये 20th सेंचुरी के ग्रेट पोएट माने जाते हैं। इनकी पोएम्स ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट, W.H. ऑर्डन, डेलन थॉमस और स्पेशली फिलिप लार्किन, इन सबको इन्फ्लुएंस किया है। कुछ हद तक विलियम बटलर यीट्स की पोएम्स पे भी आप इनका इन्फ्लुएंस देख सकते हो। और दोस्तों इनकी नोवेल्स की सेटिंग होती थी वेसेक्स नाम की जगह पर, जो कि एक एंग्लो सैक्सन किंगडम था। अब हार्डी ने किस किस पर अपना इन्फ्लुएंस छोड़ा है? सबसे ज़्यादा दोस्तों D.H. लॉरेंस, इन्होंने थॉमस हार्डी की स्टडी की और उन्हें पसंद था कि हार्डी कितने अच्छे से अपने कैरेक्टर्स को ट्रीट करते थे। और उनके वर्क्स, D.H. लॉरेंस के वर्क्स जैसे रेनबो और वुमेन इन लव, नोवेल्स की डेवलपमेंट में हार्डी की नोवेल्स का बड़ा रोल है। हार्डी अपनी नोवेल्स को वेसेक्स नोवेल्स बुलाते थे और उन्होंने उस जगह का मैप भी प्रेजेंट किया है। अब ऐसे में दोस्तों 1903 से 1908 के बीच में हार्डी ने एक पोएटिक ड्रामा भी लिखा था, पब्लिश करवाया था, जो कि 3 पार्ट्स में है। इस ड्रामा का नाम है द डायनेस्ट। ये जो ड्रामा है इसमें 19 एक्ट्स हैं और 130 सीन्स हैं, कमाल है। और इन्होंने नेपोलियनिक वॉर्स को भी दिखाया है। ये बहुत ही लंबा ड्रामा था इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन लोग इसको पढ़ने के लिए भी एक्साइटेड थे। ऐसे दोस्तों थॉमस हार्डी एक ग्रेट पोएट बने थे अपनी वाइफ एमा की डेथ के बाद में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही।